जब भी हम किसी यूज कार या सेकेंड हैंड कार को परचेज करने की सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो इंसान इस कार को क्यों सेल कर रहा है, क्या इस कार में कोई दिक्कत तो नहीं, क्या इस कार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या ये कार एक्सीडेंटल कार तो नहीं है, क्या इस कार का भी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, इस वजह से कार ये सेल हो रही है। लेकिन जायज़ है हमारा ये सब शक होना भी जायज़ है, क्योंकि हम यूज़ कार ले रहे हैं, उस इंसान ने कैसे उस कार को चलाया, कैसे रखा है, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों अब हमारे मन में सवाल होता है कि यार ये कार एक्सीडेंट तो नहीं है, हम जिस कार को ले रहे हैं, लेकिन किस तरह से एक्सीडेंट है वो देखिए। छोटे मोटे एक्सीडेंट कार में होते रहते हैं, डोर हो गया, बोनट हो गया, बूट हो गया, रनिंग बोर्ड हो गया, हमारा फेंडर हो गया, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, तो ये सब चीज़ें लगना आम बात है और इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, ये ईजिली रिपेयर हो जाते हैं और ये चेंज भी हो सकते हैं, ये पार्ट्स जो हैं ये चेंज हो सकते हैं। दरवाज़ा हमारा डैमेज है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको निकाल के दूसरा दरवाज़ा लगाया जा सकता है, तो कोई इसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो आप उस कार की वैल्यू कम लगा सकते हैं कि हमें ये कार में ये चीज़ें करवानी है बाद में, तो उसकी वैल्यू वहाँ पर कम होगी। लेकिन अगर हमें चेक करना कि कार मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक्सीडेंट होने के बाद होगा क्या, कार में काफ़ी सारी दिक्कतें बाद में, मान लेते हैं यहाँ पर, अभी मैं अपनी बात कर लेता हूँ, अगर मेरा हाथ हो गया क्रैक तो ये हो जाएगा ठीक एक महीने बाद प्लास्टर वगैरह लगा के, ये हो जाएगा ठीक। लेकिन अगर मेरी यहाँ पर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो इसको ठीक होने में लग जाएगा काफ़ी टाइम, काफ़ी खर्चा, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये बाद में प्रॉब्लम ना दे, तो बुढ़ापे में तो काफ़ी सारी दिक्कत है, काफ़ी सारे दर्द मुझे होगा इसके बाद। तो यही सब कार के साथ है, अगर कार में डोर या आपका बोनट या बूट या कोई फेंडर या आपका रनिंग बोर्ड, अगर ये चीज़ें डैमेज है तो ये चीज़ें रिपेयरेबल हैं, इनको रिपेयर किया जा सकता है, इनको चेंज किया जा सकता है, इस पूरे के पूरे डोर को हटा के नया डोर यहाँ पर लगाया जा सकता है। लेकिन अगर कार में बात करें हम रीढ़ की हड्डी की, तो वो है हमारी कार की पूरी चेसिस। अगर आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं तो ये है पूरी कार की चेसिस, और यहाँ पर अगर कोई डैमेज हो जाता है तो ये रिपेयर होना हो जाता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, और इसको रिपेयर कराने के लिए खर्चा तो देखिए ज़्यादा तो होगा ही होगा, लेकिन फिर वो बात कार में रहेगी नहीं कभी भी जो बात पहले थी कार में, क्योंकि कार के चेसिस में एक बार अगर डेंट आने से या कोई चोट लगने से, कोई दुर्घटना होने से दोस्तों वहाँ पर वो चीज़ें हो जाती है बैंड, और बैंड होने के बाद उसको रिपेयर किया जा सकता है चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अब पिलर है दोस्तों, हमारा ये सामने पिलर है, अगर ये चीज़ें बैंड हो गई, टक्कर लग गया इस पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से कट करेंगे, नीचे से कट करेंगे, वहाँ पर कोई दूसरा पीस लगा देंगे, फिर वेल्डिंग करके उसको पेंट वगैरह कर देंगे, लेकिन वहाँ से सड़ना गलना चालू कर देगा वो, और उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे वो टक्कर लगी होगी उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे के पूरे चेसिस पे पड़ा होगा, कार का जो ढांचा है उस पे पड़ा होगा, तो उससे वो चाल कभी कार में आएगी ही नहीं जो कार जो स्मूथनेस हमें पहले कार में मिलती थी। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करना कि क्या इसमें कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं। फिर अगर हम चलते हैं दोस्तों कार के नीचे, तो वहाँ हम देखेंगे जिस पे कि हमारा पूरा इंजन का लोड होता है पूरे हमारे चेसिस के ऊपर, वो चीज़ें कभी टकराई तो नहीं, वो चीज़ें कभी बैंड तो नहीं, वो चीज़ें सड़ी गली तो नहीं है वहाँ पर पानी की वजह से या किसी टक्कर की वजह से। क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता है क्या कि कार को हम चलाते हैं किसी फुटपाथ पर कार चल जाती है, कभी कभी कोई किसी पत्थर के ऊपर कार चल जाती है, तो वहाँ पर जो हमारे नीचे चेसिस होते हैं दोस्तों जिस पे कि हमारा पूरा इंजन का लोड होता है, तो वहाँ पर अगर वो चीज़ें टूट जाती, वो चीज़ें बैंड हो जाती, तो वो चीज़ें ठीक होना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, रिपेयर हो सकता है, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो वहाँ पर दिक्कतें हमें होगी कार में, कभी अलाइनमेंट का ठीक ना होना। तो कभी भी अगर आपसे कोई कहता है कि यार हमें यूज़ कार लेनी है, वो कार एक्सीडेंट तो नहीं है, तो आपने बस क्या क्या चीज़ें देखनी, मैंने आपको बता दिया। कार में कभी भी वो मेजर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उसके चेसिस वगैरह में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई डेंट नहीं होना चाहिए, कोई रिपेयर नहीं होना चाहिए। बाकी छोटे मोटे एक्सीडेंट तो यार देखिए, स्क्रैचेस वगैरह, छोटे मोटे डेंट वगैरह, चाहे हमारा रनिंग बोर्ड हो, चाहे डोर हो, चाहे फेंडर हो, फ्रंट रियर बूट हो, चाहे हमारा बोनट हो, ये चीज़ें अगर डैमेज है या हमारा बम्पर हो गया डैमेज है, तो इन चीज़ों को हम रिपेयर करा सकते हैं, इनको चेंज करवा सकते हैं, इनको नया लगा सकते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हाँ, अगर हमारी कार के जो चेसिस है, जो ढांचा है, अगर वही ख़राब हो जाता, तो फिर उसके बाद हो जाती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत। रिपेयर होने के बाद भी कार में वो स्मूथनेस नहीं रहेगी, अगर नीचे से कार टकराती है बड़ी तेज़ की, तो पूरी की पूरी जो चेसिस है वो मुड़ जाती है। अब मुड़ जाती तो चलिए आप उसको गर्म करके रिपेयर कर लो, उसको ठीक कर लो, कोई लोकल मैकेनिक पर जाओ, हथौड़ा थोड़ा मार के उसको ठीक कर देगा, सीधा कर देगा, लेकिन प्रॉपर सीधा हो नहीं पाएगा ज़िंदगी में कभी भी। तो इसीलिए राइडिंग हमें हमेशा कभी भी हो अच्छी मिल नहीं पाएगी उस कार से, तो ये चीज़ हमें चेक करनी है। सबसे पहले अगर हम कार के दरवाजे खोलते हैं तो वहाँ पर हमें दिखते हैं पिलर, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये पिलर क्या दोबारा रिपेयर कराया तो नहीं गया, इसको चेंज कभी किया तो नहीं गया। कार के चलते अगर हम नीचे, तो वहाँ हम देखेंगे जिस पे हमारा के पूरा इंजन का लोड होता है, वहाँ पर अगर हम चेसिस देखते हैं तो वो चीज़ें कहीं से बैंड नहीं है, कहीं से सड़ी गली तो नहीं है, या कोई वहाँ पर टूट फूट वगैरह हो तो नहीं रही है। अगर ये चीज़ें किसी कार में अगर ओके है, और उसके बाद भी अगर छोटे मोटे स्क्रैचेस डेंट वगैरह है,
तो इसको हम ये नहीं कह सकते ये कार एक्सीडेंटल कार है और ये कोई मेजर इसमें एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि चीज़ें सारी रिपेयर हो सकती है। अगर चेसिस में कोई दिक्कत है तो उस कार को कभी भी ना लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा घाटे का सौदा। अगर मिलती है तो बिल्कुल इस भाव में लें कि बिल्कुल कूड़े के भाव में उस कार को आप खरीद सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ।